आज हम लोग स्टैंडर्ड फोर का इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे जो कि द फैमिली एज ए यूनिट है। पहला लेसन है तो लेसन थोड़ा लंबा है तो इसलिए हम लोग जल्दी से इसको शुरू करेंगे। द फैमिली एज ए यूनिट, द फैमिली इज ए फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। ए फैमिली फंक्शन एज ए यूनिट इन विच ऑल द मेंबर्स टेक केयर ऑफ ईच अदर। फैमिली में भी ए ज्वाइंट फैमिली और ए न्यूक्लियर फैमिली। फैमिली जो है सोसाइटी का, समाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे न्यू भी कहा जाता है। सोसाइटी का जो न्यू है वो फैमिली या परिवार है। एक परिवार एक यूनिट के तरह काम करता है, एक इकाई के तरह काम करता है हर समाज में, और उस समाज के, उस फैमिली के हर मेंबर अपना अपना पार्ट करते हैं। ये फैमिली में भी ज्वाइंट फैमिली, और ये फैमिली जो है ज्वाइंट फैमिली भी हो सकता है, संयुक्त परिवार जो कि पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं, या न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार होता है। वी लिव विद आवर इमीडिएट फैमिली, वी इफ वी लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली देन आवर इमीडिएट फैमिली इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स लिविंग विद अस इन आवर होम। हम लोग जो है अपने इमीडिएट जो सबसे करीबी फैमिली होता है, जिसे माता पिता होते हैं, उनके साथ रहते हैं, और अगर हम ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमारे इमीडिएट फैमिली में जो है हमारा जो सबसे करीबी परिवार होता है, सबसे निकट परिवार होता है, वो उसमें हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी जुड़े होते हैं या रहते हैं। हाउएवर इफ वी लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर मेक अप आवर इमीडिएट फैमिली एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजिन मेक अप आवर एक्सटेंडेड फैमिली। अगर हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हमारे माता पिता भाई बहन ये मिलके हमारा इमीडिएट परिवार बनता है, जिसे निकटतम परिवार या इमीडिएट परिवार कहते हैं। और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी चाचा चाची कजिन्स, ये सब एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं, जो कि विस्तृत फैमिली कहा जाता है, जो कि फैले हुए या अलग रहते हैं, इसलिए उन्हें एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली डू नॉट लिव विद अस। एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर जो है साथ में नहीं रहते हैं, साथ में अगर रहेंगे तो वो ज्वाइंट फैमिली हो जाएगा, और अगर अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली होता है। दे मे लिव इन अनदर सिटी और इन अनदर कंट्री। वी यूजुअली गेट टू मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली ऑन ओकेजन लाइक फेस्टिवल्स, बर्थडे, वेडिंग ईटीसी। हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं, जो विस्तृत परिवार होते हैं, वो दूसरे शहरों में आमतौर पर रहते हैं या दूसरे घरों में रहते हैं, और जब भी कोई ओकेजन आता है, जैसे कोई त्यौहार आता है, बर्थडे होता है या शादी ब्याह वगैरह होते हैं, तो सब लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं। अंजलि फैमिली, इसको समझाने के लिए एक अंजलि का परिवार है सामने आपके फोटो में, जिसको समझाया गया है। अंजलि वॉज गोइंग टू हर मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होम विद हर मदर एंड यंगर ब्रदर सनी टू स्पेंड द समर वेकेशन। अंजलि अपने मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो कि नाना नानी होते हैं या मामा मामी होते हैं, उनके परिवार में जा रही है वहां पे अपना समर वेकेशन मनाने के लिए। सी मेट हर मेटर्नल अंकल मनोज मामा एट द स्टेशन। अपने मामा से वो मिलती है स्टेशन पे, जो ट्रेन से जाती है तो वहाँ पे स्टेशन पे अपने मामा से, मनोज मामा से मिलती है। ही वॉज हर मदर्स यंगर ब्रदर, उसके मामा के, उसके माँ के छोटे भाई हैं। अंजलि मेटर्नल ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वेलकम देम टू देयर होम। अंजलि के जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है, मेटर्नल जो कि नाना नानी है, वो उनको स्वागत करते हैं। अंजलि कॉल देम नाना जी एंड नानी जी, अंजलि उनको नाना जी और नानी जी बुलाती है। आफ्टर डिनर दे ऑल सेट डाउन एंड सॉ द फोटो एल्बम ऑफ रीनाज मौसी मदर। डिनर के बाद जो है सब एक साथ बैठते हैं और उसकी जो अंजलि की, रीना मौसी की शादी हुई है, उसकी फोटो एल्बम निकाल कर देखना शुरू करते हैं, विच हैड टेकन प्लेस ए मंथ एगो, जो एक महीना पहले हुई थी। देयर वॉज अनदर एल्बम लाइंग इन द कबोर्ड, एक दूसरा एल्बम है जो कि कबोर्ड में रखा हुआ है, तो अंजलि उसे उठाकर लाती है। अंजलि पिक्ड अप एंड ओपन इट, अंजलि उसे लाकर खोलती है। देयर वेर पिक्चर्स ऑफ हर मदर इन हर गर्लहुड, उसकी माँ के बचपन की फोटो
जब वो लड़की थी तब का फोटो उसको एल्बम में दिखाई देता है. सी लुक्ड सो डिफरेंट व्हेन शी वाज यंग फ्रॉम द वे शी लुक नाउ. जब वो जवान थी या लड़की थी तब वो बहुत ही अलग दिखती है और आज बिल्कुल अलग दिखती है. आफ्टर डिनर ये पढ़ चुके हैं. लुक नाउ अंजलि वेन टू हर मदर एंड आस्क मामा डिड यू लीव विथ नानाजी एंड नानी जी अर्लियर. हर मदर नोडेड स्माइलिंगली. उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या तुम नानाजी और नानी जी के साथ पहले रहती थी. हर मदर नोडेड. उसकी माँ ने ऐसे सर हिला के मुस्कुरा के कहा कि हाँ. देन वाई डोंट यू लीव विद देम नाउ अंजलि आस्क. फिर अंजलि पूछती है कि फिर तुम अब उनके साथ क्यों नहीं रहती हो. अंजलि नानी फुल अंजलि इन हर लैप एंड सेड. अंजलि की नानी जो है अंजलि को गोद में ले लेती है और फिर कहती है यू नो व्हेन योर मदर वाज स्मॉल शी यू लीना मौसी मनोरमा एंड आई लिव इन फैजाबाद इन अ बिग हाउस. अंजलि की नानी उसको अपनी गोद में बैठा के बहुत प्यार से कहती है कि जब तुम्हारी माँ छोटी थी तब वो तुम्हारी रीटा मौसी मनोज मामा और मैं फैजाबाद में बहुत बड़े घर में रहते थे. और हाउस आवर्स वाज ए स्मॉल फैमिली. हम लोगों का परिवार छोटा परिवार था. योर नाना जी वाज ए गवर्नमेंट ऑफिसर एंड आई वाज ए होम मेकर. तुम्हारे नाना जी वहाँ पर एक गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर थे और मैं घर में रहते थे घर का काम. वी लेड ए सिंपल लाइफ. योर मदर मौसी एंड मामा वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक यू डू. They used to go to play in the nearby park after completing their work. पर एक हम लोग जो है बहुत ही साधारण सी जिंदगी गुजारते थे और तुम्हारी मौसी मामा तुम्हारे तरफ उस वक्त स्कूल जाते थे और शाम में खेलने जाते जो थे. जो नियर बाई पार्क था नज़दीक में जो पार्क था खेल का मैदान था उसमें खेलने जाते थे. योर मदर लव सिंगिंग एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स. तुम्हारी माँ को गाना गाना और कहानियाँ पढ़ना. She also liked to play various games. Her favorite games were hopscotch and hide and seek. उसका जो सबसे वो पहले बहुत ही गेम बहुत तरह के गेम खेलती थी खेल खेलती थी. उसमें जो है उसको सबसे ज़्यादा पसंद hopscotch and hide and seek था लुका छिपी. When your mother got married, she shifted to Delhi and changed her surname as your father's surname. डिफरेंट फ्रॉम आवर्स. और जब तुम्हारी माँ की शादी हो गई तो वो अपने हस्बैंड के साथ यानी तुम्हारे पिताजी के साथ दिल्ली चली गई और तुम्हारे पिताजी का सरनेम वो अपने सरनेम में जोड़ ली. बट वाई डिड सी चेंज योर सरनेम वेयर एज मनोज मामा स्टिल यूजेस द सेम सरनेम. अंजलि आज अंजलि ने पूछा कि जबकि मनोज मामा ने नहीं बदला है लेकिन माँ ने क्यों अपना सरनेम बदल दिया. अंजलि मैरिज सिस्टम इज आवर सोसाइटी मैरिज सिस्टम इन आवर सोसाइटी वर्स लाइक दिस. वुमेन यूजुअली मूव टू स्टे विद देयर हस्बैंड्स एंड देयर फैमिलीज आफ्टर मैरिज एंड चेंज देयर सरनेम्स टू. अंजलि गिना के समझाती है कि हमारे सोसाइटी का समाज का ये नियम है कि जब लड़की की शादी होती है तो अपने हस्बैंड के साथ उसके परिवार में चली जाती है और उनका सरनेम भी अपना लेती है. इट हेल्प्स देम टू बिकम ए पार्ट ऑफ देयर न्यू. वो उनकी नए परिवार का हिस्सा बनने में मदद करता है. रिमेरी हुआ जो रागिनी है उनका सेम सरनेम था जो तुम्हारी तुम्हारे पिताजी का है लेकिन अब वो अपने हस्बैंड का सरनेम इस्तेमाल करती है. अपने हस्बैंड के सरनेम के साथ अपना नाम जोड़ लिया. ये सी ये इज द सेम सरनेम एज दैट द फूफा जी फैमिली एंड नाउ शी लिव्स विद हर न्यू फैमिली. हाँ हाँ अंजलि ने कहा कि फूफा जी का जो फैमिली सरनेम है वही अब बुआ जी का भी फैमिली सरनेम है और वो अपने फूफा जी के वो अपने हस्बैंड के साथ भी रह रही है मतलब फूफा जी के साथ. अंजलि लुक एट हर मदर ओवर द ईयर्स. हर मदर हैड चेंज्ड सो मच. हाउ शी वाज मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर एम्बिशियस टू हैड चेंज. अंजलि अपनी माँ की तरफ देखती है उसको लगता है कि सालों में वो बिल्कुल ही बदल गई है और उसको बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया है और उसका जो आदत है जो पसंद है वो सब बदल गए हैं. सी नाउ रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक लाइक कुकिंग. अब वो अलग तरह की किताब पढ़ती है और अब खाना पकाना उसको जाना पसंद. शी हैड डन कुकरी कोर्स एंड ऑलवेज ट्राइड डिफरेंट रेसिपी.
वो कुकरी कोर्स, खाना पकाने का कोर्स भी कर लिए है, सीख गई है और अलग अलग तरह के खाने पकाती है। डू यू नो अंजलि, व्हेन वी वेयर स्मॉल वी हैड अ ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन इन आवर ड्रॉइंग रूम। एक अंजलि, क्या तुम जानती हो कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के टाइम में, उसकी नानी कहती है कि हम लोगों के टाइम में बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल सादा जो टेलीविजन पहले आता था उस तरह का टेलीविजन हम लोग का ड्राइंग रूम में था। अब तो रंगीन टीवी हो गया है, लेकिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता। देयर वर नॉट मेनी चैनल्स एंड नो रिमोट, सो देयर वर नो फाइव ओवर स्विचिंग चैनल्स। उसके मनोज मामा ने हंसते हुए कहा कि उस वक्त जो है बहुत सारे टीवी में चैनल भी नहीं थे और उस वक्त हमें चैनल बदलने के लिए लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे और रिमोट भी नहीं थे। Yes, and Sundays were great fun. हाँ, और आतवार को, संडे को, रविवार को बहुत ही मस्ती होती थी। After breakfast, we would go to a pond to catch fish or to the nearby cinema hall to watch a movie. और फिर जो है हम लोग किसी तालाब में तैरने के लिए जाते थे या मछलियाँ पकड़ते थे, catch fish, and cinema hall में movie देखने, film देखने जाते थे। Sometimes we even went to a circus or fair if it was in town. Anjali Madan recall, Anjali Madan ने याद करते हुए कहा कि कभी कभी हम लोग सर्कस देखने भी जाते थे जो मेला में लगा होता था या टाउन में आया होता था। ड्यूरिंग समर वेकेशन वी यूज टू गो टू दादीज हाउस इन द विलेज, और छुट्टियों के दिनों में हम लोग दादी के घर जाते थे। देयर वर बिग मैंगो ऑर्चर्ड देयर, वी प्लक मैंगो फ्रॉम द ट्रीज एंड एट टिल वी वेयर स्टफ, और हम लोग वहाँ जाके आम के बगीचे में से बहुत सारे आम तोड़ते थे और इतना खाते थे कि पूरा फुल हो जाता था। दोज डेज वे फन, वो समय बहुत मस्ती का था। रिमेम्बर मनोज भी एंड अंजलि मदर एंड मनोज मामा जी डिस्कस ऑल टाइम। और फिर उसने मनोज से कहा, इसके मनोज मामा से, कि तुमको याद है, और फिर वो लोग अलग अलग तरह की बातें याद करने लगे। Anjali turned to her grandmother and asked, Nani, how did you spend your childhood? Anjali ne nani ki taraf mood ke pucha ki, Nani, tum apna bachpan kaise guzarte the? Nani smiled as she recalled her own young age. I lived in a village. Uske nani muskurate hue kehti hai, purana din ko yaad karte hue, ki hum log ek, main ek bahut hi chote gaon mein rehte the. Ours was ए ज्वाइंट फैमिली, और हम लोगों का संयुक्त परिवार था। वी ऑल लिव टूगेदर इन द सेम हाउस, इन द सेम हाउस एंड लीड ए सिंपल लाइफ। हम लोग एक ही घर में सब लोग रहते थे और बहुत ही साधारण जिंदगी बिताते थे। द एल्डर वुमन कुक फूड ऑन द चूल्हा यूजिंग फायरवुड और काउ डंग केक्स। और फिर हम लोग उस वक्त जो है, जो घर की बड़ी औरतें थी, वो चूल्हा पे खाना बनाती थी, जो कि लकड़ी से जलाकर, या काउ डंग केक कहते हैं, जो गोबर, जो गाय का गोबर होता है, उससे अपने यहाँ जिसे चिपरी कहते हैं आप लोग, या काउ डंग केक इंग्लिश में कहा जाता है, या गैंठा जिसे आप लोग कहते हैं, उस तरह के उसको जलाकर और उस पर खाना बनता था। मेन वेंट टू फील्ड वर्क, फील्ड्स टू वर्क, आदमी जो लोग थे वो खेतों में काम करने जाते थे। चिल्ड्रन वेंट टू नियर बाई स्कूल एंड प्लेड टूगेदर इन फ्री टाइम, और बच्चे पास के स्कूल में जाते थे और एक साथ मिलजुल के खेलते थे जब भी उनके पास खाली समय होता था। ऑल द फैमिली मेंबर्स एट मील्स टुगेदर व्हिच वेयर सर्व ऑन द किचन फ्लोर, और सब लोग एक साथ खाना खाते थे जो कि किचन के, रसोई घर के फ्लोर पे, जमीन पे, फर्श पे खिलाया जाता था या सर्व किया जाता था। देयर वॉज नो टेलीविजन इन दोज डेज, और उस समय टेलीविजन नहीं था। वी हैड ए रेडियो इन आवर हाउस, आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑल आवर वर्क वी यूज टू सिट अराउंड इट टू लिसन द न्यूज एंड सम म्यूजिक। उस वक्त टीवी नहीं था, सिर्फ एक रेडियो था हमारे घर में, और जब सब काम खत्म हो जाता था तो सब लोग रेडियो के पास बैठ के और खबरें सुनते थे, समाचार सुनते थे और गाने सुनते थे। Times have changed now, समय बदल गया है। Your life is quite different from your mother's life, just like her life was different from mine.
और आज तुम लोगों की जिंदगी तुम्हारी माँ की जिंदगी से बिल्कुल अलग है, जैसे उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी से अलग थी। We lived in a joint family in which grandparents, uncle, aunts all lived together in the same house. Nowadays, most of the people live in a nuclear family in which only parents and children live together. आज जो है हम लोग उस वक्त संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन आज कल जो है लोग न्यूक्लियर फैमिली को ज्यादा पसंद करते हैं। देयर वेयर अदर थिंग्स विच वेयर डिफरेंट देयर वेयर नो कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स देयर। Like me, your mother cooks food using a 4-burner gas stove and a microwave oven. She even works from home as a freelancer and manages time between work and home. And he said, looking at her daughter proudly. उसकी नानी ने बहुत ही गर्व से कहा कि आज जो है चीजें बहुत बदल गई है। उस वक्त कंप्यूटर और वीडियो गेम्स बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अनलाइक मी, बिल्कुल मुझसे अलग, तुम्हारी माँ आजकल खाना भी बनाती है, 4 बर्नर के स्टोव पे खाना बनाती है, माइक्रोवेव में खाना बनाती है, एंड वो घर पे फ्रीलांसर की तरह काम भी करते हैं। फ्रीलांसर कहते हैं जो किसी कंपनी और कहीं भी काम नहीं करे, अपना काम लेकर और खुद से काम करे, उसे फ्रीलांसर सेल्फ वर्कर कहते हैं, अपने से जो काम करता है और वो अपना समय बिल्कुल ही बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है और अपने डॉटर पे बहुत प्राउड करती है। देन शी पैटेड अंजलि एंड गॉट अप टू ब्रिंग स्वीट फॉर द होल फैमिली। फिर उसने अंजलि को ऐसे थपकी देके और पूरे परिवार के लिए मिठाई लाने के लिए चला। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं सो फार, इसको देखकर आपको अपने परिवार के बारे में भरना है, व्हाट काइंड्स ऑफ फैमिली डू यू हैव, ए ज्वाइंट फैमिली और ए न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ खाली जगह में आपको अपने परिवार के बारे में भरना है कि आपका परिवार जो है ज्वाइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। द फैमिली द एल्डेस्ट मेंबर इन द हेड ऑफ द फैमिली, हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली का जो हेड है वो कौन है, सबसे बड़ा कौन है। हाउ डू यू एड्रेस दिस फैमिली मेंबर, अपने फैमिली मेंबर को आप क्या कहते हैं, जैसे ये मदर को बहुत लोग माँ कहते हैं तो यहाँ माँ लिखना है, मम्मी कहते हैं तो मम्मी लिखना है, माताजी कहते हैं तो माताजी लिखना है, योर फादर, अपने फादर को आप क्या कहते हैं यहाँ लिखना है सामने, जैसे कि बहुत लोग पापा कहते हैं तो पापा लिखना है, अब्बा कहते हैं अब्बा, अब्बू कहते हैं तो अब्बू लिखना है, आपको जो लोग भी जैसे अपने परिवार में जिसको बुलाते हैं वैसे लिखना है। योर मदर सिस्टर, अपने मदर सिस्टर को क्या कहते हैं वो बुलाना है, अपने मदर्स के ब्रदर को क्या कहते हैं, फादर्स के सिस्टर, ये सारी चीजें आपको इसमें भरने हैं, जैसे किसी को मौसी, दीदी, खाला, जो भी आप बुलाते हैं वो यहाँ भरने हैं। हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली, और 4 नंबर में जो है आपके फैमिली का जो डिसीजन है वो कौन लेता है। आगे देखते हैं, वी लर्न मेनी थिंग्स लाइक वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड कल्चर फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर। फैमिली वैल्यूज आर द आइडियाज एंड बिलीव्स दैट आर टिपिकल ऑफ आवर फैमिली। हम लोगों का फैमिली में जो है एक दूसरे की इज्जत करना, मदद करना और हमारे जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, इन सब का ख्याल रखना, ये हमारे फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दिस वैल्यूज इंक्लूड, ये जो वैल्यू है इसमें है स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना, केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे का ख्याल रखना, लिविंग इन हारमोनी और एक दूसरे से मिलजुल के रहना, लिविंग पीसफुली विदाउट पीजिंग एनीवन, हम लोग एक दूसरे के साथ शांति से रहना बिना किसी को चिढ़ाए। आप लोग बहुत चिढ़ाते हैं मुझे मालूम है अपने घर में, लेकिन घर में परिवार में कभी भी अपने भाई बहनों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द फैमिली, और जिम्मेदारी जो है परिवार में बांटना, एक दूसरे की जिम्मेदारी में उठाना, शेयरिंग ईच अदर्स जॉय एंड सोरो, एक दूसरे के खुशी और गम में साथ देना, शेयरिंग हाउस होल्ड कोर्स हैप्पीली, और घर का सब चीज खुशी खुशी बांटना, गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, एक साथ जाके बाहर समय व्यतीत करना, फॉलोइंग द रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द फैमिली, ईटिंग एट लीस्ट 1 मील टुगेदर एवरी डे, और घर का जो भी मान्यताएं हैं उसको मानना, और कम से कम एक बार खाना, एक साथ खाना दिन में,
चेंज इन सोसाइटी मेनी फैमिलीज टुगेदर मेक ए सोसाइटी ओवर द ईयर्स फैमिलीज वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल हैव चेंज्ड इनमोस्टली दिस हैव ब्रॉट अबाउट चेंज इन द सोसाइटी अर्लियर मेन वेंट आउट टू वर्क व्हाइल वुमेन स्टेड एट होम टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन एंड होम टुडे बोथ मेन एंड वुमेन वर्क आउट एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड वर्क बहुत सारे फैमिली जो है मिल के जो सोसाइटी बनाते हैं हम लोग पढ़े हैं तो आजकल जो सोसाइटी है वो बिल्कुल बदल गई है पहले सिर्फ मेल जो थे मर्द लोग घर के काम करने के लिए बाहर जाते थे आज औरतें भी घर से बाहर काम करने जाती हैं और सारी जिम्मेदारी औरत भी उसी तरह उठाती है जैसे मर्द उठा रहे हैं इन द सेम वे अर्लियर ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन वेर टेकन बाई मेन बट नाउ डिसीजन आर टेकन टुगेदर बाई बोथ मेन एंड वुमेन पहले जो है इसी तरह जैसे पहले मर्द सिर्फ बाहर काम करने जाते थे वैसे ही सारे डिसीजन भी इम्पोर्टेंट डिसीजन सिर्फ मर्द ही लेते थे औरतें हिस्सा नहीं लेती थी लेकिन आज जो है औरतें भी बराबर की हिस्सेदार है कोई भी घर में डिसीजन हो तो औरत और मर्द मिलकर और साथ में डिसीजन लेते हैं तो हम लोगों को समय के साथ बदलाव करना चाहिए और समय के साथ बदलाव को सीखना भी चाहिए। आगे जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये सब आपको करना है अपने से आपको बहुत जल्द इसका सब करके आपको पेपर दिया जाएगा लेकिन पहले खुद से करें और जहाँ भी गलती होगा जब आपको सही आंसर दिया जाएगा तो उसको मैच करके मिला लेना है। ऑल द ऑब्जेक्टिव डू ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है और जब आपको आंसर दिया जाएगा पोस्ट किया जाएगा तो आप उसे मैच कर लें।